हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज एंड वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 5. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वर्ड मीनिंग. सो द फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज माँ. माँ मीन्स सबको जानता है, हम लोग मम्मी को माँ कहते हैं. ठीक है, वर्ड यूज टू कॉल मदर, जो मम्मी को हम बुलाते हैं, माँ, मम्मी, मम्मा, जो भी बुलाते हैं वो कहलाता है माँ. ठीक है, फिर नेक्स्ट है बाबा. बाबा मीन्स फादर. ठीक है, वर्ड यूज टू कॉल फादर, हम लोग पापा बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग बाबा भी बोलते हैं. बाबा, पापा और भी बहुत सारी, डैडी, ये सारी चीजें बोलते हैं. तो यहाँ पे बाबा है, तो हम बाबा किसको कहते हैं? पापा को ही कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. हमें क्या करना है इसमें, जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है उसे टिक करना है. ठीक है, कृष्णा इज अ डैश. कृष्णा क्या रहता है? कृष्णा जो एक प्रिंस रहता है. तो इसको हम टिक करेंगे और इसको यहां पर लिखेंगे भी, PRINCE, प्रिंस. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? बाबा सेज ईट डैश कृष्णा. बाबा जो रहते हैं उसके कहते हैं कि खाओ. क्या खाओ? फ्रूट्स. उसके बाबा जो उसके पापा रहते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्रूट्स खाने के लिए, फ्रूट्स. ठीक है, माँ सेज ईट डैश कृष्णा. उसकी जो माँ रहती हैं वो उसे कहती हैं कृष्णा तुम क्या खाओ? पूरीज खाओ. पूरीज को हम टिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पूरीज, PURIS, पूरीज. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? कृष्णा डज नॉट वॉन्ट टू ईट. कृष्णा क्या नहीं खाना चाहता था? पूरी, स्वीट्स एंड फ्रूट्स, ये वो ये सारी चीजें नहीं खाना चाहता. तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे इसे पूरीज, स्वीट्स एंड फ्रूट्स. कृष्णा वॉन्ट्स द डैश. कृष्णा क्या चाहता था? मून. तो क्या चाहिए था? मून खाने के लिए चाहिए था. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में दो दो वर्ड्स दिए हुए, इनमें से कोई एक वर्ड है जो सही है, उसे हमें क्या करना है, इसमें लिखना है. कृष्णा डैश टू ईट द मून. कृष्णा वॉन्ट्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वॉन्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट मदर डैश अ प्लेट. मदर ब्रिंग्स अ प्लेट. फिर नेक्स्ट क्या है? मदर डैश वॉटर इन द प्लेट. मदर पुट्स, PUTS, पुट्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? कृष्णा डैश द मून इन वॉटर. कृष्णा सीज द मून इन वॉटर. ठीक है, फिर नेक्स्ट कृष्णा डैश हैप्पी नाउ. कृष्णा लुक्स हैप्पी नाउ. ठीक है, इस तरह इसको आपको करना है. इसमें क्वेश्चन आंसर आपको बाद में कॉपी में कराया जाएगा. अब चलिए इसमें देखते हैं, स्पीक अलाउड. इसमें क्या है? OA. OA से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसे हमें पढ़ना है. तो पहला क्या है? BOAT, बोट. फिर क्या है? FLOAT, फ्लोट. फिर नेक्स्ट क्या है? GOAT, गोट. फिर COAL, कोल. GOAL, गोल. SOAP, सो. ठीक है, ये सारे वर्ड्स थे. चलिए आगे देखते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग. इसे क्या करना है? हमें कंप्लीट करना है. यहाँ पे वन बॉल दिया हुआ है, हमें क्या करना है? यहाँ पे फोर लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे हम?
फोर बॉल्स, BALLS बॉल्स लिख देंगे, ठीक है। वन बैट तो क्या हो जाएगा, टू बैट्स, ठीक है। वन पेंसिल, थ्री पेंसिल्स, नेक्स्ट वन एप्पल, टू एप्पल्स, वन हनी बी, फोर हनी बीज, वन बॉय, मैनी बॉयज, टिक द करेक्ट वन। हमें क्या करना है इसमें, जो करेक्ट है उसे टिक करना है, ठीक है। वन फैन, फोर केक्स, मैनी बुक्स, मैनी हैंड्स। जहां पे वन होगा वहां पे जिसमें एस नहीं रहेगा उसे हम टिक करेंगे, लेकिन जहां पे वन के अलावा फोर टू थ्री फोर फाइव या मैनी होगा वहां पे जहां पे एस रहेगा उसमें टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वन है तो यहाँ पे पेन करेंगे, इसमें एस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैनी है तो इसलिए बर्ड्स में जिसमें एस है उसको टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी है तो मैंगोज हो जाएगा, यहाँ पे वन है तो क्या हो जाएगा, कैट, ठीक है। इस तरह आपको इसको कंप्लीट करना है। मैच द ही वर्ड्स विथ शी वर्ड्स, इसमें क्या करना है, जो ही मतलब जो मेल है, जो आदमी वाले वर्ड्स हैं उनमें हमें शी वर्ड्स से मतलब जो गर्ल्स वाले वर्ड्स हैं उनसे मैच करना है, मैस्कुलिन को फेमिनिन से मैच करना है। तो हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ, लॉर्ड का लेडी, एक्टर का एक्ट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, नेफ्यू का नाइस, ठीक है। इस तरह आपको इसको करना था। राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट वॉट यू लाइक, हमें क्या करना है इसमें फाइव सेंटेंसेस लिखने हैं कि हमें क्या पसंद है, ठीक है। पहला, आई लाइक फ्रूट्स, सॉरी, एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्या है, आई ईट फ्रूट्स, डैश इज माई फेवरेट फ्रूट। तो किसी भी फ्रूट का नाम लिख लेंगे आप, बनाना, जैसे आप एप्पल, मैंगो, जो भी लिखना हो वो लिख लें। आई डैश पीज एंड चीज, आई लाइक डैश इज माई फेवरेट वेजिटेबल, तो पोटैटो लिख देंगे, टोमेटो, जो भी आपको पसंद होगा वो आप लिख देंगे, ठीक है। Listen to your teacher carefully and tell, when do we see the moon? Night. When do we see the sun? Morning.
When do we see the stars? Night. Where do we see the sun, moon, and stars? Sky. चलिए नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द टेबल बिलो। इसमें क्या करना है, जो आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं और जो फेवरेट वेजिटेबल्स हैं उनको दोनों टेबल्स में लिखना है कॉलम्स में, ठीक है। तो पहला फेवरेट फ्रूट चलिए बनाना कर देते हैं उसको, फिर मैंगो हो जाएगा, फिर एप्पल कर देते हैं, फिर ऑरेंज कर देते हैं, फिर पियर कर देते हैं। नेक्स्ट फेवरेट वेजिटेबल्स, फेवरेट वेजिटेबल्स पोटैटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम, फिर लेडी फिंगर, फिर रेंजर। इस तरह से आपको ये पूरा करना है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द ईटेबल्स इन द कॉलम। यहां पे देखिए तीन चीजें दी हुई हैं, ठीक है, इनके नाम हमें लिखने हैं। तो पहला क्या है, ये गोल गोल है तो पूरी हो जाएगा, P U R I S, पूरी। फिर सेकंड क्या है, फ्रूट्स, F R U I T S, फ्रूट्स। नेक्स्ट क्या है, स्वीट्स, S W डबल E T S, स्वीट्स। ठीक है, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बहुत ही ध्यान से आप चैप्टर को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।